Hey, what's up, guys? This is Vijal Kumar Sen, and you're watching Vijal Kumar Sen YouTube channel. So, guys, we have launched our NLC test series, right? Uh, for non-technical and as well as for technical. I'm that you, non-technical, are technical students, maximum, right? So, 65 plus test, up are non-technical section, mein, right? And uh, it's only two double nine rupees, very affordable. Uh, the link for this test series is in the description.

तो देखिए हमारे पास क्या होता है अगर इसके बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा जब हॉरिजेंटल सिलेंडर होता है तो इसका जो कैटेस्टिक्स लेंथ है वो क्या होता है डायमीटर के बराबर होता है राइट अगर ये वर्टिकल होता तो क्या होता इसका जो हाइट होता उसके बराबर होता राइट यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू क्या बताया गया है फॉर ए फ्लूड हैविंग प्रांटल नंबर इक्वल टू यूनिटी हाउ द दर्मोडाइनामिक सॉरी हाइड्रोडामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा टी रिलेटेड सो में एक चीज बताया गया है प्रांटल नंबर इज इक्वल टू हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर बाय थर्मो थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस राइट पावर क्या होता है हमारे पास थ्री होता है अब प्रांटल नंबर इज इक्वल टू तो अगर वन हो गया इस थ्री को इधर भेजेंगे तो वन के पावर कुछ भी तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा? तो आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टी आ जाएगा यानी कि अगेन ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर काफी ओवर सरफेस ऑफ वर्टिकल पाइप एंड वर्टिकल फ्लैट प्लेट फॉर सेम हाइट एंड फ्लूड आर इक्वल अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा उसके बारे में बात करने बोल रखे है वट इज और आर द पॉसिबल रीजन फॉर दिस राइट तो इसने बोला गया क्या रीजन होगा तो हमारे पास ऑप्शन चार है तो गाय देखिए अगर बात करोगे आप हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट की बात करता तो है क्यू इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ राइट तो ये अगर देखोगे आप तो इसमें जो हमारा केस दिया हुआ है राइट right? ये हाइट और आपका वर्टिकल है क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेगा बिकॉज हमारे पास वैसा केस नहीं है हमारे पास बताया गया है राइट right? तो ये डिपेंड किस पर करेगा अगर केस की बात करें क्वेश्चन की बात करें डिपेंड सिर्फ दो चीज पर हमारा करता है कि ये पॉसिबल तभी होता है राइट right? तब हमारा क्या जब सेम फ्लूड होगा पहला दूसरा क्या हो जाएगा सेम फ्लूड का फ्लो पैटर्न सेम होगा जो फ्लूड है उसका जो फ्लो पैटर्न है वो सेम होगा तभी ये पॉसिबल है बाकी चीज पर ये डिपेंड नहीं करता है राइट यानी कि यहां पर अगर देखा जाए थ्री एंड फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आएगा यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर होगा इस कंसेप्ट को और समझने के लिए आप नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर वाले पार्ट में थोड़ा स्टडी कर सकते हैं उसमें ज्यादा अच्छे से और आपको पता लग जाएगा मैं जो बात कर रहा हूँ उसको आप पकड़ लेंगे अच्छे से क्वेश्चन नंबर वन जीरो बताया गया है नंबर इज द रेशियो ऑफ बेसिकली डायमेंशन लेस नंबर होता है राइट दिस इज अ काइंड ऑफ डायमेंशन लेस नंबर यू कैन से दैट राइट तो स्किमिट नंबर क्या होता है बेसिकली अगर फॉर्मुला देखेंगे एस सी इज इक्वल टू विस्कोसिटी अपॉन क्या होता है डी होता है ये डी क्या होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी नहीं है भैया ये क्या होता है डिफ्यूजन कॉफिसियंट होता है राइट right? तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर बैठता है नंबर में और हमारे पास अगर बात करेंगे आप लुइस नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है रिलेशन मतलब बता रहा हूं मैं लुइस नंबर क्या बोलता है अल्फा अपॉन डी प्रांटल नंबर क्या बोलता है न्यू अपॉन अल्फा या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम डिवीजन क्या आ जाएगा थर्मल डिफ्यूजिटी ऑफ हीट या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं म्यू सीपी अपॉन के भी बोल सकते हैं राइट right. हमारे पास और एक रिलेशन है प्रांटल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है स्किमिट नंबर कि नंबर इसको आप एस से नोट कर लो डिवीजन क्या होता है लुइस नंबर इवन इस रिलेशन से भी देख सकते हो आप बिकॉज डी क्या हो जाएगा फिर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम बोल सकते हैं ऐसा केस क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव एक सौ पांच नंबर क्वेश्चन चलते हैं विच नॉन डायमेंशनल नंबर रिलेट्स द थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर कौन सा नॉनल नंबर है जो रिलेट करता है किसके साथ हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर के साथ और हाइड्रोडमिक बाउंड्री लेयर के साथ तो ये थर्मल बाउंड्री लेयर है ये हमें पता है थिकनेस की बात कर रहा है इसमें राइट तो हमारे पास जो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर है इसको कहीं कहीं मैंने देखा है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर भी बोला जाता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा प्रांटल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी पावर क्या होता है क्यूब होता है तो कौन रिलेट कर पा रहे देख पा रहे हैं आप Osionfish. कौन रिलेट कर रहा है भैया आपका एक सिर्फ फ्रंटल नंबर क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है अगर आप बात करेंगे इसमें ग्रसअप नंबर की राइट ग्रसअप नंबर की बात करोगे ये क्या, क्या होता है अलग होता है बुएंसी फोर्स अपॉन क्या होता है आपके पास बिस्कॉस फोर्स होता है राइट अच्छा हमारे पास रेल नंबर भी आता है हमारे पास रेल नंबर में दो चीज आता है ग्रसअप नंबर एंड फ्रंटल नंबर आया है राइट अगर आप बात करें पैकलेट नंबर की तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल यू बाई डी आ जाएगा तो ये सारे अलग अलग क्या रिलेशन को मेंटेन करते हैं क्वेश्चन हाइड्रोलिक डायमीटर यूज इन प्लेस ऑफ डायमीटर फॉर नॉन सर्कुलर टू सो डक्ट डिजाइन ए क्वेश्चन है राइट right? और इसका आप uh, कभी कभी हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन हम आर इसी में देख सकते हैं डक डिजाइनिंग में बट इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं मतलब आप इस जगह पर भी आ सकता है कभी कभी क्वेश्चन आया था मैंने देखा है तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हीट ट्रांसफर के साथ इसका भी रिलेशन थोड़ा सा बनता है तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला पूछा गया है इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर ए बाई क्या होता है एम होता है और यहाँ पर ए क्या होता है एरिया है और एम क्या होता है पेरीमीटर होता है यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का 106 का क्वेश्चन नंबर 107 एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोज ओवर ए हॉट प्लेट ऑफ 50 बाय 60 सेंटीमीटर मेड ऑफ कार्बन स्टील मेंटेन एट 220 डिग्री सेंटीग्रेड द कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट राइट इज 25 अह वॉट पर मीटर केल्विन राइट ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन uh, में थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है बिकॉज यहाँ पर क्या होना चाहिए वह मीटर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर राइट वर्ड पर मीटर स्क्वायर कैलविन बिकॉज ये कंडक्ट कन्वेक्शन uh, है कंडक्शन नहीं है थर्मल कंडक्टिविटी वर्ट पर मीटर कैलविन होता है राइट right? तो so, कभी कभी ऐसे मिस्टेक uh, मतलब क्लरिकल मिस्टेक हो जाता है राइट right? right. तो राइट right? चलिए तो हमारे पास अगर हम निकालेंगे फॉर्मूला तो क्या निकल जाएगा Q is equal to क्या निकल जाएगा एच ए टी एस माइनस टी एफ तुम्हारे पास H क्या है 25 एरिया क्या आ जाएगा 0.5 राइट बिकॉज सेंटीमीटर में में तो मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीपल जो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आ जाएगा 200 कैलकुलेशन करिए आप भी और बताइए आंसर कितना आएगा सो लेट मी टेल यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलो आपको एक टास्क देता हूं आप क्या करिए इसका आंसर जो भी आ रहा है आप क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सौ आठ नंबर क्वेश्चन है लेट्स नंबर एट ए पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज इज हंड्रेड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द जीरो पॉइंट तो ये देखिए यहां पर के और एच का रिलेशन किस में होता है नसल नंबर में क्या होता है एन इज इक्वल टू क्या होता है एच एल आप क्या होता है? K होता है हमें क्या निकालना है एच निकालना है हमें H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा N मल्टीपल के पॉइंट फाइव मल्टीपल के हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट जीरो टू फाइव डिविजन हमारे पास क्या आ जाएगा जो हंड्रेड uh, है यहां पर बताया गया पॉइंट अच्छा सॉरी 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 गड़बड़ हो गया एन इज इक्वल टू हंड्रेड है सो पॉइंट फाइव हमारे पास आ गया राइट अब क्या करते हैं फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो ये जीरो जीरो कट जाएगा पांच 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 हो जाएगा तो ये फाइव आ गया हमारे पास फाइव वट पर मीटर स्क्वायर क्या यानी कि ऑप्शन बी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन हीट ट्रांसफर प्रोपोर्शनल टू एक्स इज द वाइड डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एस माई डियर ये क्वेश्चन ई में पूछा गया था टू थाउजेंड सेवन एट के आसपास राइट right? तो मैं चाहता हूं आप लोग खुद रिसर्च करिए डू योर ओन रिसर्च अगर आपको पता नहीं है पता है तो आप नीचे कमेंट में बताओ भाई क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन का आंसर क्या होगा जिस अ वेरी गुड क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको पता है लिमिनर फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट के कंसेप्ट तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो ऑप्शन कौन सा होगा नीचे वो क्या करना है नीचे कमेंट से आपको बताना है राइट क्वेश्चन नंबर वन क्या बताया गया है लेमिनर बाउंड्री लेकर ऑप्शन जीरो टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो होगा देखिए ये तभी होगा राइट जब हमारे पास क्या जाएगा ये टॉप लेवल पे होगा मतलब टॉप ऑफ बाउंड्री लेर होगा तभी होगा क्यों उसमें क्यों होगा बिकॉज उसमें क्या होता है टेम्परेचर इक्वल्स टू फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड तभी एक केस क्या होता है एप्लीकेबल होता है फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड इसीलिए क्या होता है ये केस तभी हो सकता है टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकॉज डी टी अपन डी एक्स होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट तभी हो सकता है जो हमारा क्या हो जाएगा एट टॉप ऑफ बाउंड्री लेयर हो सकता है राइट right? यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन वन द रेन कॉल वर्क एनोलॉजी विच इज यूज टू डिटरमाइन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शनल ड्रैक इज एप्लीकेबल टू कहां तक ये एप्लीकेबल है उसके बारे में हमें देखना है राइट right? तो पहला क्या है सरकम फिन फ्लैट फीन्स रेक्टेंगुलर फींस एंड ट्राइंगर फींस डियर ये जो एनोलॉजी है ये सिर्फ किस में होता है या तो इन साइड पाइप में ले सकते हैं इन साइड पाइप में हो सकता है पहला या फिर बोल सकते हैं इसको क्या है फ्लैट प्लेट में हो सकता है बिकॉज इन साइड पाइप तो यहां पर ऑप्शन कोई है नहीं फ्लैट प्लेट हमारे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 हॉट एयर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोज ओवर ए फ्लैट प्लेट में हीट गेन रेट बाय द प्लेट थ्रू एन एरिया ऑफ टू मीटर स्क्वायर विल बी क्या होगा उसके बारे में हमें देखना है हीट गेन बाय द प्लेट क्या होगा थ्रू द एन एरिया ऑफ टू मीटर स्क्वाइट सो हमें क्यू निकालना है बेसिकली Q to, हमें क्या पता है एच ए टी एस माइनस टी एफ डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास हंड्रेड आ गया सो टू मल्टीपल टू एरिया आ गया एच सेवेंटी फाइव मल्टीपल हंड्रेड सो दिस इज वन फिफ्टी मल्टीपल हंड्रेड तीन जीरो मतलब क्या किलो आ जाएगा सो पंद्रह किलोवाट हमारे पास जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा

राइट right. इसको ऐसे भी सकते हैं मीमू सी पी अपन ऐसे लिख सकते हो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी के पावर क्या आता है थ्री आता है बट अगर थियोटिकली जाओगे क्या होता है मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम डिविजन क्या होता है थर्मल डिफ्यूजिटी ऑफ हिट तो जो मॉलिकुलर डिफ्यूटी ऑफ मोमेंटम होता है वो किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली वेलोसिटी फ्लो फील्ड की बात करता है और थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट किसकी बात कर रहा है बेसिकली टेम्परेचर फील्ड की बात कर रहा है मतलब ये रिलेशन जो बता रहा है किसमें कनेक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसमें कर रहा है प्रांटल नंबर कर रहा है नसल नंबर की बात करो क्या आ जाएगा एच एल ऑपॉन के या एच एल एल्टा ऑपॉन के रिनाउंड नंबर क्या होता है रो वी एल आ जाएगा म्यू ए डी कभी कभी होता है और ग्रसव नंबर क्या होता है वोएंसी फोर्स क्या होता है हमारे पास विस्कोस फोर्स होता है

प्लेट होगा तभी पॉसिबल होगा किस तरह का प्लेट में ज्यादा अच्छे से हो पाएगा वो किस में हॉरिजेंटल प्लेट में हो सकता है बिकॉज ये ऐसे रहता है राइट राइट डिफरेंस कम होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वेक्शन पॉसिबल है कम मिनिमम कम टेम्परेचर डिफरेंस में क्या है कन्वेक्शन पॉसिबल है इसलिए क्या आ जाएगा ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वन सेकेंड गॉट क्वेश्चन फ्रॉम फ्रंटल नंबर क्या बोला गया है इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है फॉर ए फ्लूड राइट वन। मोमेंटम बाउंड्री लेड्रोडिक बाउंड्री थिकनेस की बात कर रहा है या फिर वेलोसिटी बाउंड्री थिकनेस की बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा उसके बारे में हमें बताना है और हमें ट्राई करना है फाइंड आउट करने का देखिए प्रांटल नंबर इज ग्रेटर देन वन है और हमें पता है प्रांटल नंबर इज इकल टू क्या होता है डेल्टा अपन डेल्टा टी का पावर क्या होता है थ्री ये तभी पॉसिबल जब क्या हो जाएगा मतलब मतलब दिस देन डेल्टा टी मतलब ये से मतलब क्या है इस क्वेश्चन में क्या होगा मोमेंटम बाउंड्री थिकनेस क्या जाएगा डिक्रीज करेगा नहीं इंक्रीज थर्मल पता नहीं क्या बोल रहा है इंक्रीज करेगा टू थर्मल बाउंड्रियर थिकनेस हाँ. या बोल सकते हैं कि इंक्रीज करेगा जी

हाइपो अपॉन क्या आता है ML. यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर अस टू नो अबाउट इट यहां पर जो एम है वो क्या है स्लोप ऑफ हीट ट्रांसफर लाइन है और एम इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर एच पी अपन क्या होता है के ए कैसे याद रखोगे एच पी हिमाचल प्रदेश के ए क्या आ जाएगा कर्नाटका याद रख लो क्या दिक्कत है राइट right? ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको तो ये हमारे पास तरीका है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा निकलता है ऑप्शन बी क्या जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन वन एट अगेन फिन से क्वेश्चन है द इंसुलेटेड टीप टेम्परेचर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉरिजेंटल फीन हैविंग एन एक्सेस ओवर एम्बिएंट रूट टेम्परेचर ऑफ डी थीटा इज सो माय डियर देखिए अगर केस की बात करें हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डी अपॉन थीटा नॉट होता है टू और उसके बाद कॉस हाइपो एम एल आ जाएगा बिकॉज ये हॉरिजेंटल पिन फिन बता रहा है राइट right? में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा इन दैट केस दिस होल टर्म विल बिकम व्हाट माय डियर वन हो जाएगा यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा नॉट बाय कॉस हाइपो एम यानी कि अगर ऑप्शन से मैच कराया जाए ऑप्शन क्या आ जाएगा डी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा ये कंप्लीटली हमारा क्या है किस पर बेस्ड है हमारे फिन फॉर बेस्ड है So guys, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 119 आ चुका है ये भी क्वेश्चन क्या है फिन का है फिन सरफेस कंसिस्ट ऑफ रूट और बेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फिन सरफेस एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर फिन सरफेस इज 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन इफेक्टिवनेस ऑफ फिनस प्रोवाइडेड इज 0.75 इफ फिन सरफेस विद रूट और बेस टेंपरेचर ऑफ

थीटा नॉट आ जाएगा थीटा नॉट मतलब क्या आ जाएगा 50 30 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, 20 आ गया हमें पता है इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या होता है इस केस में एच केपी हमारे पास अपॉन क्या आ जाएगा एच ए आ जाएगा केपी हमारे पास क्या है कृष्णा प्रधान है और एच ए मतलब क्या आ गया हमारे पास हर्षिता अरोड़ा है राइट ऐसे याद करना यार ऐसे बता रहा हूं तुम्हारे तो पास क्या जाएगा Root under Kp equal to, Kp equal to, रूट अंडर के पी इज इक्वल टू के पी इज इक्वल रूट पूरा है H A आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एच ए भी है तो हम क्या बोल सकते हैं हट जाएगा 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 तो क्या बच बच हमारे पास H A, थीटा नॉट मतलब बीस बच जाएगा तो एच ए हमारे पास क्या है एच हमारे पास ट्वेंटी है एरिया हमारे पास क्या है अगर आप देखेंगे टू है हमारे पास मल्टीपल क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी मल्टीपल क्या आ जाएगा हमारे पास पॉइंट सेवन फाइव बिकॉज इफेक्टिवनेस भी आएगा यहाँ पर पॉइंट सेवन फाइव आ गया तो हमारे पास कैलकुलेट करते हैं इसको कितना आता है देखता हूं मैं। तो राइट right. ये हमारे पास कितना आ रहा थ्री हंड्रेड वर अब मैंने क्या बोला बिकॉज इफेक्टिवनेस पॉइंट सेवन फाइव है तो इसको यूज फीन को यूज करने की जरूरत ही नहीं है तो हम क्या करेंगे बिना फिन का कितना इफेक्टिवनेस आएगा पॉइंट सेवन फाइव से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 वाट आएगा यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम हीट डिसिपेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट को भगाने के लिए अपने सिस्टम से राइट द फिन शुड बी डिजाइन इन सच वे दैट कैसे डिजाइन करना चाहिए पहला इट शुड हैव मैक्सिमम लैटरल सरफेस एट द रूट साइड ऑफ द फिन राइट मतलब क्या है लेटरल मतलब क्या? मतलब लंबा लेटर मतलब क्या? ज्यादा होना चाहिए फिन के रूट में ये तो जस्टिफाइड है लेकिन और कोई है क्या? देखते हैं है maximum lateral surface towards, ना, एक भाई। तो यहां पर जो आंसर बताया गया ऑप्शन बताया गया किसमें क्या आएगा ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सो so गायस में इतना ही था मच फॉर वाचिंग सो लाइक कर वीडियो को शेयर कर दोस्तों के साथ और गाइस हमारा एनसी का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है दोनों टेस्ट सीरीज है आपका टेक्निकल के लिए भी, भी और नॉन टेक्निकल के लिए भी है टेक्निकल में आपको टेन फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं मैकेनिकल के 149 रुपीज में लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में भी इसका लिंक है और नॉन टेक्निकल आपको दे रहे हैं टू डबल नाइन रूपीज में सिक्सटी फाइव टेस्ट टॉपिक वाइज फुल लेंथ उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी थैंक यू वॉचिंग सून गो फॉर टेस्ट सीरीज एंड start writing tests and see yourself where you are standing among other students thank you very much for watching bye bye see you soon